ये सब महाराष्ट्र से आता है, सभी जो इको फ्रेंडली है, मिट्टी की मूर्ति होती है। हाँ, हर साल कम से कम 35 साल हो गए आते। ये इको फ्रेंडली होती है, ये 1 घंटे में डिजोल्व होने में डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। एक्स्ट्रा डिमांड में तो खाली मिट्टी में और ये डायमंड वर्क में डिमांड ज़्यादा वर्क की है। बड़े लोग चंद्रशेखर सिंह जट से जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं महाराष्ट्र एम्पोरियम मुंबई से आई हूँ। आज कम से कम मैं 20-25 साल से यहाँ पर आ रही हूँ। मेरे यहाँ पर कलेक्शन के पीस है, फाइबर, स्टोन और रेडियम, हर तरह के जो भी कास्ट के लोग आते हैं वो मेरे यहाँ से कलेक्शन करके जाते हैं। और इससे मुझे प्रॉफिट भी होता है और मेरे पुराने कस्टमर हो या नए कस्टमर हो, अच्छा मीन्स खुद उनको ये चीज़ें मेरी इतनी पसंद आती है कि वो खुद तारीफ करते हैं कि नहीं आपकी चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ पर इको फ्रेंडली भी है, जो मिट्टी के गणपति जो विसर्जन करते हैं, स्पेशल हमारे यहाँ पर शिंदे मंदार शिंदे जो जो है उनके मिट्टी के गणपति है, जो उनके यहाँ वो कम से कम 40-45 साल उनके पिताजी के जमाने से वो भी आ रहे। खास वो यूके के लिए जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ है उनके लिए खास लोग आते हैं वो मूर्तियाँ लेने के लिए, क्योंकि उनका फिनिशिंग इतना खूबसूरत है कि लोग कम से कम उनके यहाँ पर 6 महीने पहले उनको ऑर्डर देते हैं, हमें इतनी बड़ी मूर्ति चाहिए, उतनी बड़ी चाहिए। करोड़पति से लोग के बड़े बड़े लोग उनके पास आते, जो उनके पास आते लेने के लिए, बाद में जिनको कलेक्शन चाहिए, जो गणपति के टाइम गणपति बड़े रहते हैं उनको गिफ्ट देने के लिए, तो गिफ्ट के लिए लोग मेरे पास से लेके जाते हैं। दोनों का उनका भी होता है, मेरा भी होता है। और हमारे यहाँ दिल्ली महाराष्ट्र एम्पोरियम में जब से आ रही हूँ मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सेल भी अच्छा होता है, यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ही अच्छी है, जुनून कस्टमर जो उनकी चॉइस अच्छी है और कलेक्शन की बहुत उनकी है कि आपके महाराष्ट्र में कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी का बोलो फाइबर का बोलो दोनों का भी मैं बहुत तारीफ करते हैं। और हमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तक हम दोनों जन है हम लोग लास्ट तक आएंगे सेल करेंगे, बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दोनों के भी खूबसूरत है, ज़्यादा उनका ये रहता है मिट्टी का, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में मिलता है, लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र की जो फिनिशिंग है जो आपकी दिल्ली में नहीं मिलेगी, आँख नाक शिंदे साहब के तो बहुत ही है, कम से कम बड़े से बड़े मूर्तियाँ यहाँ पर उनके पहले से ऑर्डर रहते हैं, 1 साल पहले उनकी बड़ी बड़ी ऑर्डर रहती है, छोटी भी रहती है, कम से कम दो ट्रक उनके बॉम्बे से आते हैं 8 दिन पहले ही, उनके यहाँ भी उनके वर्कर लोग साथ में रहते हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, और जैसा उनका होता है उनके जैसे मेरा होता है, जो मेरे भले मैं छोटी कारागिर हूँ लेकिन गिफ्ट के लिए मेरे यहाँ से कलेक्शन के लिए सब लोग लेके जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने महाराष्ट्र में होकर भी मैं दिल्ली में क्यों आती कि हमारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर मिलती है लेकिन 99% चाइना का माल मिलता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की जो फिनिशिंग है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बस मैं चाहती हूँ हम लोग जो आए सबका सेल अच्छा हो और खुशी से जाए हम। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।